नाम का लड़का मेरे को आके बुलाया, बोला जबरदस्ती मेरे को बेला फुसला के लेके गया गाड़ी पे बिठा के, फिर उसके बाद वहाँ से कार में मेरे को जबरदस्ती लेके गए, और मेरे को बहुत सारे जन मिलके संदीप और क्या बोलते मुकेश भाई नाम का व्यक्ति, वो मेरे को जबरदस्ती लोग उसने शादी करवाया था, बोला कि तुम्हारा धर्म चेंज करो, और उसके बाद मेरे को राजस्थान लोग ने भेज दिए। उसके बाद वहाँ पर मेरे साथ वो जबरदस्ती भी किया लड़का ने, और दारू पी के मैंने मारा भी मेरे को, और क्या बोलते फिर मैंने मौका पाते मेरी अम्मी को फ़ोन करी, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे और उन लोग बोलने लगे क्या बोलते तुम लोग भाग जाओ, तुमको पैसा देंगे, 3 लाख रुपया भी मिलेगा तुम्हारे दोनों को, ऐसा ऐसा बोले उन लोग ने। यही बात पुलिस वाले को लोग आने वाले तो कैसे मालूम पड़ गया कि पुलिस वाले इधर आ रहे हैं हम लोग को लेने के लिए, तो लोग को भी सोचना चाहिए ना पुलिस वाले को कि हम लोग को ढूंढ ले वे, तो पुलिस वाले ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और उसके बाद मेरे को यहाँ पर लेके गए, 6 दिन हो गया और क्या बोलते अभी लड़के पे कोई कार्यवाही उन लोग करे नहीं। फिर क्या बोलते मेरी अम्मी अब्बा को फ़ोन करके उन लोग डरा भी रहे हैं, पहले की बात बोल के डरा रहे हैं, अभी जो हुआ वो कुछ नहीं बोल रहे हैं उन लोग, इसके लिए बोल रहे हैं लोग मैं मुसलमान की लड़की उसके लिए ऐसा कर रहे हैं उन लोग, मुझे इंसाफ चाहिए। अभी तक कुछ कार्यवाही हुई नहीं है? नहीं अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है, लड़के ऐसे ही घूम रहा है उसको लोग रखे हैं, इसके लिए मुझे इंसाफ चाहिए, मैं इंसाफ लेके रहूँगी। अभी आप कहाँ पे हैं? DYSP ऑफिस के पास? हाँ DYSP ऑफिस के पास। अच्छा ये तुम खुद अपनी तरफ से बता रहे हो ना, किसी ने कुछ सिखाया ऐसा तो नहीं? मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, जो मेरे साथ हुआ है मैं वो बोल रही हूँ।